नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपके घर फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। देखिए, रेवाड़ी की पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। रोडाई थाना पुलिस द्वारा मारपीट मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने और पुलिस की तरफ से पाबंद किए जाने के मामले में SP कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे परिवार ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। इसके बाद परिवार की महिलाएं इसके विरोध में DC कैंप ऑफिस के बाहर धरना पर बैठ गई, जिसके बाद मामला उपायुक्त अशोक गर्ग के पास पहुंचा। उपायुक्त ने परिवार की पीड़ा सुनी और मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही परिवार पर दर्ज किए गए मामले में पाबंद किए जाने की कार्रवाई में भी बगैर जमानती जमानत लेने के निर्देश तहसीलदार को दिए गए हैं। उपायुक्त को दी शिकायत में गांव रोड़ाई निवासी पूनम पत्नी संदीप कुमार सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि इसी साल फरवरी महीने में गांव के ही एक परिवार के सदस्यों ने उनके साथ घर में घुसकर मारपीट की और जाति सूचक शब्द कहे हैं। परिवार का आरोप है कि इस मामले को लेकर उन्होंने रोड़ाई थाना के अलावा SP कार्यालय में भी कई बार शिकायत दी है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी कारण उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज को इसकी शिकायत कर दी थी, जिसकी वजह से रोड़ाई थाना का एक पुलिसकर्मी उनसे इस बात के चलते रंजिश पाले हुए हैं। परिवार का आरोप है कि इस मामले की जांच के नाम पुलिस कर्मचारी की तरफ से उनको कई घंटे तक रोड़ाई थाना में बिठाए हुए रखा गया है। परिवार का कहना है कि पुलिस कर्मचारी इस बात को लेकर उनका फ़ोन करके भी परेशान किया जा रहा है, इसलिए अब उनको DC को ये सब कुछ बताया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट लेकर अब जाँच शुरू कर दी है।